उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल कितना बुलंद है ये तो आप विगत दिन हुई घटना से अंदाजा लगा सकते हैं। कानपुर में जिस तरह से पुलिस के जवानों को शहीद किया गया है इससे ही बदमाशों के हौसले समझ आते हैं। वहीं चंदौली से भी बड़ी खबर आ रही है जहां बदमाशों द्वारा पुलिस की गाड़ी पर सपा कार्यालय मुगल सराय के पास फायर झोंक दिया गया। अनफन में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला जिसमें एक बदमाश काबू में आया तो वहीं दूसरा भागने में कामयाब रहा। जानकारी के अनुसार सपा कार्यालय के पास सुबह 3:30 बजे के करीब नियमित चेकिंग पर पुलिस थी। इस बीच मोटरसाइकिल सवार आते दिखे, रुकवाने पर भागने व लगे। पुलिस ने जब पीछा किया तो पुलिस की गाड़ी पर उनके द्वारा फायर कर दिया गया। पुलिस तुरंत मोर्चाबंदी कर बदमाशों को मानसरोवर तालाब के पास घेरने में कामयाब हुई जहां एक बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के पास से पिस्टल भी बरामद की है तो वहीं पुलिस के ने बताया कि उक्त बदमाश 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमों में वांछित है। वाराणसी SP द्वारा उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा गया है। फिलहाल घायल बदमाश को वाराणसी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है और जरूरी कागजी कार्रवाई कर उसे जेल भेजा जा रहा। पूछ रहे थे क्या मामला है? मुगल सराय थाना अंतर्गत सपा कार्यालय के पास में पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई पड़े। पुलिस पार्टी ने उनको रोका तो चकमा देकर भागने लगे और फायर किए। पुलिस पार्टी ने घेराबंदी की और मोटरसाइकिल से भागते हुए बदमाशों ने पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस की गाड़ी पर फायर किया जिससे 2 फायर पुलिस की गाड़ी पर शीशे पर लगे हैं और उसके बाद पुलिस पार्टी ने मानसरोवर तालाब के पास घेराबंदी की जिससे एक बदमाश उतर कर भागा और उसे घेर कर पुलिस ने जब फायर किया तो उसके पैर में एक गोली लगी। बदमाश के पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। बदमाश को अस्पताल भर्ती कराया गया। पूछने पर बताया कि वो राज नारायण यादव राज बनारस लखा का रहने वाला है। जब इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो इसके 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक इतिहास मिले हैं और भी आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है और इसमें जो है मुकदमा लिखकर बदमाश के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कौन कौन सी टीम शामिल थी इनकाउंटर में? इसमें SHO शिवानंद मिश्रा, SI विक्रम सिंह, SHO अलीनगर और इन थानों की पुलिस जो है शामिल थी। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि इस बदमाश के खिलाफ थाना लगता अंतर्गत मुकदमे में जो है SSP बनारस द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। ये इनामी बदमाश है। आगे जो भी बदमाश भागा है उसके लिए टीम लगाई गई है और उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, तलाश की जा रही है।